सर लॉ में है ना सब लोग बहुत डरे हुए हैं कि आखिरी अटेम्प्ट है, कैसे होगा, आईसीआई कैसा पेपर निकालेगा, इजी निकालेगा, एवरेज निकालेगा, टफ निकालेगा, तो सारा टेंशन आप मेरे पे छोड़ दो। आपका एकदम सारा टेंशन जो है ना निकालने के लिए आ गया हूँ आज लॉ का। ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 4 अटेम्प्ट्स मैंने जो एनालिसिस किया है इजी एवरेज टफ चैप्टर्स का, जो कि मैं आपको हर वीडियो में देता हूँ सारे सब्जेक्ट्स के लिए, तो वो आज मैंने लॉ का भी कर दिया एकदम बढ़िया तरीके से। और अपन ये देख लेंगे कि 60 मार्क्स जो लाना लॉ में है ना बहुत आसान है, और 40 का जुगाड़ भी हम कर सकते हैं ये आखिरी के समय में। कैसे सब करना है बता दूंगा। तो सबसे पहले तो वीडियो की कवरेज के बारे में सुन लो। पहले इजी एवरेज टफ का मैं आपको एनालिसिस दे दूंगा, कौन से चैप्टर में से कितना वेटेज हो रहा है और आपको कैसे 60 के लिए एम करना है वो मैं आपको बता दूंगा। 1.5 डेज में क्या सीक्वेंस आपने फॉलो करना है वो बता दूंगा। पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में कुछ बात करूंगा जिससे आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो, दो तीन बातों का ध्यान में रख के। 40 मार्क का जुगाड़ अपन देख लेंगे सर लॉ के पेपर में। किस पे ज्यादा फोकस करना है, कंसेप्ट्स पे फोकस करना है या क्वेश्चंस पे फोकस करना है, वो चैप्टर स्पेसिफिक आज मैं आपको बता दूंगा। पेनल्टी फॉर्म नंबर कैसे याद करना है और कितना याद करना है, नहीं याद हो रहा है तो क्या करना है, सब कुछ पेनल्टी फॉर्म नंबर के बारे में बात करूंगा। नए क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, फिर चीजें लोगों को याद नहीं हो रही है, प्रोविजंस याद नहीं हो रहे उसके बारे में देख लेंगे। सी कैटेगरी के चैप्टर थोड़े बता दूंगा, और टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बता दूंगा कि डिस्क्रिप्टिव में कौन से टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, और एक प्रो टिप मैं दे दूंगा आपको जो कि मेरे को बहुत हेल्प किया था एग्जाम के टाइम पे। और मैं बता दूंगा कि मैंने मेरे रिविजन करते वक्त क्या सीक्वेंस फॉलो किया था और क्या रिसोर्सेस में से किया था, यानी कि फॉर एग्जांपल ये चैप्टर है पर्टिकुलर तो ये मैंने नोट्स में से किया था या क्वेश्चन बैंक में से किया था एट द टाइम ऑफ रिवीजन, सब कुछ बातें कवर करेंगे। तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो। हेलो चैंपियंस, मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका मेंटर सीए शंकर लखवानी, आ गया हूं आज आपके लिए लॉ का स्ट्रेटेजी लेकर के, लॉ की सारी टेंशन दूर करने के लिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक दे देना, मेरे को मोटिवेशन दे देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिख देना दैट एसएमएल डेफिनेटली क्लियर माय सी एग्जामिनेशन इन नवंबर 2023। चलो सर आज बात करेंगे हम लॉ के बारे में। सर लॉ में है ना कॉन्सेप्ट्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए या क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, स्पेशली वो लोग मेरे को टेलीग्राम पे पूछ रहे थे जिन लोगों ने अभी तक क्वेश्चन बैंक को भी टच नहीं करा। तो सर सुन लो, कॉन्सेप्ट्स पे आपने ज्यादा फोकस करना है लॉ पे, क्योंकि पेपर अगर कॉन्सेप्चुअल आया ना सर तो कोई टेंशन नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट्स करोगे तो 60-70% क्वेश्चंस अपने आप कवर हो जाएंगे। लेकिन तो भी मैं क्या बोल रहा हूं आपको, जो डायरेक्टर्स के चैप्टर है ना, यानी डायरेक्टर्स मैनेजरियल पर्सनल और बोर्ड मीटिंग, ये जो तीन चैप्टर है ना इस पे आपने क्वेश्चंस पे फोकस थोड़ा ज्यादा रखना है और कॉन्सेप्ट्स पे कम रखना है, और रिमेनिंग चैप्टर्स के लिए आपने कॉन्सेप्ट्स पे ज्यादा फोकस रखना है। सर क्यों ऐसा बोल रहे हो, क्योंकि कभी कभी आपको पता चलेगा एग्जाम में कि डायरेक्टर्स के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो आपका अगर मैं बोल रहा हूं क्वेश्चंस पे फोकस रखना है ना तो बाकी चैप्टर पे कम रखोगे तो चलेगा, लेकिन डायरेक्टर्स वाले जो तीन चैप्टर है उस पे थोड़ा क्वेश्चंस पे फोकस ज्यादा रख लेना। तो ये बात मेरे को आपको बोलनी थी। अब सर आ जाता हूं मैं, मेरे जो लास्ट 4 अटेम्प्ट का मैंने एनालिसिस किया है ना उसका थोड़ा सा इनसाइट्स आपको मैं क्या कर देता हूं सर, शेयर कर देता हूं। सर इजी एवरेज और टफ की कैटेगरी में मैंने बांट दिया है चैप्टर्स को। सर इजी चैप्टर्स के नाम बता दो, सुन लो, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, कंपाउंडिंग, मिसलेनियस, एनसीएलटी, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, मनी लॉन्ड्रिंग, एफसीआरए, आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन। ये इजी चैप्टर्स हमारे 29 मार्क्स के आएंगे एग्जाम में, ठीक है। एवरेज चैप्टर सुन लो सर, इंस्पेक्शन इंक्वायरी, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट और वाइंडिंग अप, ये 10 मार्क्स के हमको पूछे जाएंगे एग्जाम में। टफ चैप्टर है 6 चैप्टर, कौन से 6 चैप्टर, फेमा, आईबीसी, सेबी, डायरेक्टर्स मैनेजरियल पर्सनल और बोर्ड मीटिंग, ये 49 मार्क्स के हमारे टफ चैप्टर आएंगे। तो ये 29, 10 और 49 मार्क्स मिला के हमारे हो गए कितने, 88 मार्क्स। ये डिस्क्रिप्टिव का पार्ट हो गया। अब 88 में से अपने को 70 क्या करना है सर, 70 का डिस्क्रिप्टिव अपने को अटेम्प्ट करना है, और 30 मार्क का इन एडिशन क्या आ गया सर, एमसीक्यू आ गया। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं सर समझो, जो 29 मार्क्स के इजी में बोल रहा हूं ना उसमें से आपने खाली 60% के लिए एम करना है, यानी कि 18 मार्क्स का एम करना है। 10 मार्क्स के एवरेज में से आपने खाली 60% के लिए, यानी कि 6 मार्क्स के लिए एम करना है। अगर इजी और एवरेज में आपके कॉन्सेप्ट्स वगैरह अच्छे हैं ना, और आपका पेपर प्रेजेंटेशन बढ़िया तरीके से हो गया, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे आपको क्वेश्चंस लिखने हैं, आंसर्स लिखने हैं, तो आपका 70-80% लाना बहुत इजी हो जाएगा इजी और एवरेज वाले पोर्शन में। पर तो भी बहुत सारे बच्चों का अच्छे से नहीं हो रखा लो, तो अपन एक सेफर साइड पे मान रहे हैं कि आपने खाली 60% ही स्कोर करना है, जो कि लाना बहुत आसान है, ठीक है। तो 60-60% करना है तो 18 और 6 आपने स्कोर करना है इजी एवरेज में। सर टफ है ना 49 मार्क्स का है, तो उसमें से मैं बोल रहा हूँ खाली 40% तो आप स्कोर कर सकते हो ना सर, आपकी प्रिपरेशन कितनी भी खराब क्यों ना हो, आप यूट्यूब वगैरह भी देखोगे ना सर, या तो फिर आपने थोड़ा सा समझ भी लिया ना चीजों को, और आपने खुद के वर्ड्स के साथ थोड़े से आईसीआई के कीवर्ड्स यूज कर दिए, तो 40% लाना आसान नहीं है। मैं 50% भी नहीं बोल रहा हूँ, 40% लाना बहुत आसान है मैं बोल रहा हूँ, 50% लाने की भी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो 49 मार्क्स का जो टफ है उसमें से आपने खाली 40% लाना है, 20 मार्क्स के लिए आपने एम करना है, ठीक है। 49 का 40% 20, और जो एमसीक्यू है ना मेरे 30 मार्क्स के, उसमें आपका 50% यानी कि 15-16 मार्क्स के लिए आपने एम करना है। तो ऐसा करोगे ना सर, तो जो मैंने बोला ना इजी एवरेज में खाली आपने 60% का एम करना है,
टफ में आपने खाली 40% का एम करना है और एमसीक्यू में खाली 50% का, तो भी आपका एग्जेम्पशन बन जाएगा। सर एमसीक्यू ऐसे तो अगर आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो ना तो 20 मार्क्स से ज्यादा आ सकते हैं आपके एमसीक्यू में, 20 से भी ज्यादा आ सकते हैं 30 मार्क्स में से। लेकिन जिनका प्रिपरेशन अच्छा नहीं है, मैं सेफर साइड पे मान के चल रहा हूँ कि उनका इतना अच्छा नहीं हुआ होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 50% मार्क्स लाने, तो भी मतलब चीजें आसान है, मतलब कि 60 मार्क्स लाना इजी है लॉ में अगर आप कंसेप्चुअली चीजों को समझ रहे हो तो। 40 का जुगाड़ भी अभी करवा दूंगा इस वीडियो के एंड तक आते आते, ठीक है। तो ये मैं आपको बस ये एनालिसिस शेयर करना चाहता था कि वो घबराओ मत सर, हो जाएगा, ठीक है। अब सर सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ। सबसे पहली बात तो मैंने आपको ये बोली कि कंसेप्ट वर्सेस क्वेश्चंस में से कंसेप्ट पे ज्यादा ध्यान देना है, लेकिन डायरेक्टर्स वाले तीन चैप्टर्स के लिए क्वेश्चंस पे थोड़ा ध्यान आपने क्या करना है सर, ज्यादा देना है। उसके बाद मेरे को आपको बताना है कि पेपर को प्रेजेंट कैसे करना है। सर सबसे पहले तो आपको क्या करना है ना, पहले तो आपको लिखना है जो मेरा प्रोविजन है, एज पर द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन नंबर नहीं लिखोगे चलेगा। उसके बाद मेरे को लिखना है कि क्या मेरा फैक्ट्स ऑफ द केस है, यानी कि जो क्वेश्चन है ना उसमें से चीजें मेरे को उठानी है। फिर दोनों का मेरे को रिलेशन बनाना है, ये मेरे कंसेप्ट का और क्वेश्चन का रिलेशन बनाना है, और एंड में मेरे को कंक्लूजन लिख देना है। लेकिन इसके अलावा तीन बातों का आपको ध्यान रखना है पेपर को प्रेजेंट करते वक्त। सबसे पहली बात, कोई सेक्शन है उसमें अगर बहुत सारी चीजें हैं ना तो हमें पूरा भरना नहीं है, ये हमारी बीकॉम की एग्जाम नहीं है, हमको खाली रेलेवेंट चीजें लिखनी है वो सेक्शन में से उठा के जो कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछी गई है, तो रेलेवेंट चीजों को ही लिखना है। आप ज्यादा भरोगे तो ऐसा मत सोचना कि आपको मार्क्स भी ज्यादा आएंगे, पहली बात। दूसरी बात, आंसर का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, भले आप खुद के वर्ड्स में लिखो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आंसर का मीनिंग सेम रहना चाहिए, ठीक है। और तीसरी बात, ICAI के कीवर्ड्स का यूज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ICAI के कीवर्ड्स का इंपॉर्टेंस मैंने आपको लॉ के पार्ट वन में भी बताया था, जो मैंने पहली वीडियो डाली थी लॉ के बारे में, कि आपने ऐसी ऑथर की बुक रेफर करनी है जिसमें क्या हो सर ICAI के कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया गया हो। तो ये बातों को आपको ध्यान रखना है, आंसर प्रेजेंटेशन ऐसा ही रखना है, प्रोविजन, फैक्ट्स ऑफ द केस, रिलेशन बिटवीन द प्रोविजन एंड फैक्ट्स ऑफ द केस एंड कंक्लूजन, ठीक है। अब 40 मार्क जिनको चाहिए लॉ में, मतलब जिनका अभी तक अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हुआ, मैं क्या बोल रहा हूँ, इको लॉ के चैप्टर्स और जो डायरेक्टर्स को अलावा वाले चैप्टर्स, यानी कि इकोलॉ प्लस अदर देन डायरेक्टर्स वाले चैप्टर, वो है ना आपने कंसेप्ट्स ऊपर ऊपर से देख लिया ना तो चल जाएगा, यानी कि क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करोगे तो चलेगा। लेकिन डायरेक्टर्स क्या है ना, डायरेक्टर्स का अब आपने क्या करना है, अगर आपका नहीं हो रखा तो देखो सर यूट्यूब है ना, यूट्यूब पे से आप जितना हो सके उसकी कोई वीडियो देख लो, ठीक है, तो आपका एमसीक्यू में डायरेक्टर्स बन जाएगा। और जो बाकी सारे चैप्टर्स है ना, डायरेक्टर्स के तीन चैप्टर को छोड़ के, उसको आप ऊपर से कंसेप्ट्स देख लो, अभी क्वेश्चंस देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपका लग रहा है कि लॉ मेरा जरा भी नहीं हुआ है सर, तो क्वेश्चन बैंक बाकी चैप्टर्स के लिए मत छुओ, समझ रहे हो। और जो डायरेक्टर्स का पार्ट है वो यूट्यूब से देख लो ऊपर ऊपर से, कि शायद मेरे को यार डिस्क्रिप्टिव में भी मेरे को पूछ लिया कि स्टडी में तो बन जाएगा, या तो फिर एमसीक्यू में तो बन ही जाएगा। इस तरीके से आपको अप्रोच करना है तो आपके 40 लाना अभी भी पॉसिबल है, मैं बोल रहा हूँ आ सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं कंसेप्ट भी देख लेना, एक ऐसी समरी बुक उठाना मार्केट से जिसमें कम पेजेस में कवर कर रखा हो, ठीक है, जिससे आपका जो है ना अभी एंड टाइम पे वो सब इजी हो जाए। और फेमा को फिर मत करना, अगर आपका अभी तक नहीं हो रखा ना तो फेमा को एक मिनट के लिए भूल जाना, ये बात मेरे को आपको बोलनी थी। अगली बात सर, पेनल्टी फॉर्म नंबर के लिए बहुत सारे बच्चे परेशान है सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, पेनल्टी फॉर्म नंबर की आपने ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। 100 मार्क्स का पेनल्टी का आएगा क्या, मैं बोल रहा हूँ भाई मान लो 20 मार्क्स की पेनल्टी आ गई, जो कि ऐसा नहीं होने वाला भाई, 20 मार्क की पेनल्टी भी आ गई तो बाकी का पेपर तो आपके हाथ में है ना सर, तो पेनल्टी की इतनी टेंशन मत लो, जितनी हो रही है ना उतनी करो, नहीं हो रही है तो जाने दो, टेंशन मत लो ज्यादा पेनल्टी की, पूरा पेपर थोड़ी पेनल्टी का आएगा भाई, तो क्यों टेंशन ले रहे हो। और याद कैसे करनी है, मेमोरी टेक्निक के साथ याद करनी है। मैंने वीडियो डाला था डिविडेंड LLP फाइनल अकाउंट्स का ऑडिट का, तो मैंने पेनल्टियों को भी मेमोरी टेक्निक से याद कराया है, हो रही है आपसे जितनी ठीक है, नहीं हो रही है तो जितनी हो रही है करो, मैं बोल रहा हूँ एमसीक्यू में भी आ सकती है, डिस्क्रिप्टिव में भी आ सकती है, पर ज्यादा टेंशन मत लो भाई, 10 मार्क की भी मुश्किल से आएगी मैं बोल रहा हूँ, तो उसके लिए आपको बाकी का चीजें बिगाड़नी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात सर, फॉर्म नंबर तो 2 मार्क 3 मार्क के आपको दिख जाएंगे एमसीक्यू में, वो भी शायद से ही दिखेंगे, तो उसकी टेंशन मतलब हो रहे हैं करो, नहीं हो रहे मत करो, उसको भी मैंने ऑडिट के जो मैं वीडियोज डाल रहा हूँ उसमें मैं याद करवा रहा हूँ आपको मेमोरी ट्रिप के साथ, तो आपको हो रहे हैं तो करो, नहीं हो रहे तो टेंशन मत लो उसकी। और सेक्शन नंबर तो मैंने आपको बोल दिया टोटली फालतू है। अगली बात, लोग मेरे को बोल रहे थे कि न्यू क्वेश्चन आएंगे तो हम क्या करेंगे सर। अरे सर लॉ में मतलब है ना, लोग डरा रहे हैं कि सर न्यू क्वेश्चन आते हैं, माना कि न्यू क्वेश्चन आते हैं, तो न्यू क्वेश्चन किसके आएंगे सर, जो आपने कंसेप्ट पढ़े उसके आएंगे ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स बायोलॉजी के थोड़ी आएंगे यार, सिंपल सी बात समझो, फिजिक्स केमिस्ट्री के थोड़ी आएंगे, तो न्यू क्वेश्चन आएंगे तो डर रहे क्यों भाई, कॉन्सेप्ट पढ़े उसमें से ही आएंगे, तो न्यू क्वेश्चन की टेंशन लेना छोड़ दो, एकदम बेकार है यार, मतलब न्यू क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे सर, मैं बोल रहा हूँ ना, आपने पढ़ा होगा ना कंसेप्ट, आराम से हो जाएंगे सर, कोई टेंशन नहीं है। ये थी न्यू क्वेश्चन की बात। दूसरी बात सर, याद नहीं हो रहा है सर, तो सर समझो ऐसी बात है, मैं आपको बताता हूँ, इंटर में है ना मैं लॉ को याद करने बैठता था, यानी कि एकदम मेरे को एग्जैक्ट लैंग्वेज मैं सोचता था कि मैं याद करूँ, तो मेरे ज़्यादा मेहनत में कम मार्क्स आए थे, लेकिन फाइनल में ना मेरे को चीज़ें समझ में आ गया कि भैया मेरे को ये चीज़ समझ में आ गई कि समझ लो और अपने लैंग्वेज में लिख दो ना सर,
आंसर के मीनिंग को चेंज किए बिना तो मार्क्स मिलते हैं, तो मेरे को कम मेहनत में ज्यादा मार्क्स है, यानी मेहनत तो ज्यादा, मतलब मेहनत ज्यादा थी फाइनल में भी, लेकिन थोड़ा मैंने चीजों को दिमाग पे कम लिया। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, याद है ना, याद इतना नहीं करोगे, समझ के जाओगे ना थोड़ा बहुत तो भी चल जाएगा, अपने वर्ड्स में लिखना, लेकिन आईसीआई के कीवर्ड्स उसमें होने चाहिए। और डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको ज्यादा पूछेंगे नहीं, बोलो क्या मतलब कैसे पूछेंगे, मैं अभी आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बात करूंगा तो बताऊंगा, लेकिन चीजों को समझ लो। बहुत ज्यादा याद करने पे फोकस मत करो, लिमिट्स पेनल्टीज वगैरह वो सब थोड़ी बहुत जितनी याद हो रही है करो, लिमिट्स वगैरह आपको करनी पड़ेगी उसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। अगली बात सर, सी कैटेगरी के चैप्टर बता दो। सर कॉर्पोरेट सेक्रेटरियल प्रैक्टिस एक ऐसा चैप्टर है जो कि अभी तक आया नहीं है एग्जाम में, लेकिन अगर आपके पास टाइम है ना तो टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 7 आप उसका देख लेना, ये बात मेरे को बोलनी थी। अगली बात, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जो मेरे आएंगे 70 मार्क्स के, मतलब जो 70 मार्क्स के आपको अटेम्प्ट करने हैं उसका टाइप बता दो। सर देखो दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, मतलब लोग मेरे को टेलीग्राम पे पूछ रहे थे कि नोटिस का कंटेंट वगैरह होता है तो उस नोटिस में क्या क्या आएगा, हमको याद करना है क्या। सर केस स्टडीज बेस्ड आपका पेपर ज्यादा आएगा, यानी अगर मैं बोल रहा हूँ आपके पास 100 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है, अगर ऐसे होंगे नहीं, एग्जांपल दे रहा हूँ, 100% डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में से 90% केस बेस्ड होंगे और 10% रट्टा पट्टी वाले होंगे जिसमें आपको रटनी पड़ेगी चीजें। तो रटने पे ज्यादा फोकस मत करो, टेंशन मत लो, समझते चलो, हो जाएगा। सर आपको लग रहा है कि यार नोटिस में ये सारी चीजें हैं, मेरे को ऐसा सवाल आए थे ये सारी, इसमें 5 पॉइंट मेरे को याद नहीं हो रहे, टेंशन मत लो, केस बेस्ड पेपर ज्यादा आएगा, रटना वटना अपने को ज्यादा है नहीं सर लॉ में, ठीक है, 2-3 बार समझ लिया अपने वर्ड्स में लिख देना, कोई टेंशन नहीं है, ये मेरे को आपसे बात करनी थी। अगली बात सर, अगली बात जो कि मेरे को आप लोगों से करनी थी ना सर, वो ये है सर कि मैंने क्या रिसोर्सेज फॉलो किए थे और मैंने क्या सीक्वेंस रखा था मेरा 1.5 डेज में लास्ट के। तो ये सीक्वेंस, अगर आपने कोई सीक्वेंस आपके लिए सोच रखा है तो बेस्ट है सर आपके लिए, आप अपने हिसाब से जाओ, लेकिन जिसने नहीं सोच रखा ये सीक्वेंस को आप फॉलो कर सकते हो, ये रिसोर्सेज को फॉलो कर सकते हो। मैंने ऐसा किया था सर, समझो लास्ट के 1.5 डेज में मैंने क्या किया था ना सर, सुन लो मैं जो बोल रहा हूँ ना, और इसके बाद अपन प्रो टिप दे देंगे बढ़िया वाली, सुन लो। मनी लॉन्ड्रिंग का चैप्टर, FCRA का चैप्टर, आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, मिसलेनियस, इंस्पेक्शन इंक्वायरी, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, ये सब के लिए मैंने नोट्स पे ज्यादा फोकस किया था, समरी नोट्स पे, क्वेश्चंस पे कम फोकस किया था, क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ नोट्स से ना आपका 60-70% क्वेश्चंस कवर हो रहा है और लास्ट के 1.5 डेज में आपको टाइम की कमी महसूस होगी, तो आपने नोट्स पे ज्यादा फोकस कर लोगे ये चैप्टर्स के लिए तो चलेगा। उसके बाद जो डायरेक्टर्स के 3 चैप्टर है हमारे, डायरेक्टर्स मैनेजरियल पर्सनल बोर्ड मीटिंग, उसके लिए आपने क्या करना है, क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना है, जैसा कि मैंने आपको बोला, नोट्स पे एक बार ऊपर ऊपर से घुमा लेना, नहीं तो यूट्यूब पे से कॉन्सेप्ट देख लोगे तो भी चलेगा। वाइंडिंग अप का चैप्टर मैंने यूट्यूब से किया था, कंपाउंडिंग का चैप्टर और NCLT का चैप्टर, ये 3 मैंने खाली यूट्यूब से रिविजन लेक्चर देख लिया था ताकि MCQ के लिए मेरे को मार्क्स आ जाए, बराबर, बाकी मेरे को इसको डिस्क्रिप्टिव का याद करने का कोई शौक नहीं था एंड टाइम पे, तो मैंने बोला अपन इसको यूट्यूब पे से, लास्ट के 1.5 डेज में भी मैंने तो यूट्यूब पे से देख लिया था MCQ पर्पस के लिए आ जाए तो, ठीक है, वाइंडिंग अप, कंपाउंडिंग और NCLT, क्योंकि वाइंडिंग अप का चैप्टर बहुत बड़ा है इसलिए। उसके बाद IBC जो है ना, IBC वो भी मैंने YouTube पे से देख लिया था कि मेरे को MCQ वगैरह में काम आ जाए तो, और उसके कोई शॉर्ट क्वेश्चंस मेरे को देख जाए तो वो भी मैंने YouTube पे से कर लिया था IBC। SEBI को मैंने कम्प्लीटली छोड़ दिया था और FEMA मैंने YouTube से आधा किया था, और बाकियों का मैंने क्या किया था ना, FEMA में मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने पेज है ना, पेज जो भी था ना पूरा देखा, तो उसमें डिस्क्रिप्टिव था, फिर कोई लिमिट दिखी ना मेरे को 30-60 डेज, तो वो मैं लिमिट देख के चला गया था MCQ में काम आ जाए तो। तो अगर आप देखो ना सर, तो IBC भी मैंने ऊपर ऊपर से देखा था, FEMA तो मैंने आधा ही देखा था, वो भी ऐसा थोड़ी लिमिट देख रही, थोड़ा यूट्यूब से देख लिया था, SEBI तो टोटली छोड़ दिया था, और बाकी सारे चैप्टर्स पर मैंने जो बताया कि डायरेक्टर्स वाले चैप्टर पे क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस किया था, अदर चैप्टर्स पे नोट्स पे ज्यादा फोकस किया था, ठीक है, ऐसा मैंने किया था। और वाइंडिंग अप, कंपाउंडिंग और NCLT मैंने यूट्यूब से ज्यादा देखा था। अब सर प्रो टिप के बारे में क्या बात कर रहे थे, देखो सर अभी आपका FR का पेपर आने वाला है, पहला पेपर, तो मेरे को पता है आप 4-5 दिन तो FR को दोगे, तो देखो सर आखिरी के जो 2 दिन होंगे ना आपके FR के प्रिपरेशन के, उस दिन तो आपको कंप्लीटली FR पढ़ना है, लेकिन बाकी के जो दिन होंगे ना, मान लो आप FR को 5 दिन दे रहे हो, सुन लो आज है ना, आपको क्या करना है ना, सारा काम छोड़ छाड़ के आपने लॉ का एक चार्ट बनाना है, चार्ट मतलब के नोटबुक में लिख लेना है, आपको एक पेज पे लिख लेना है पेनल्टी सारी की सारी, लिमिट्स सारे के सारे, क्या बोल रहा हूँ, पेनल्टी और लिमिट्स, फॉर्म नंबर नहीं लिखना है सर, फॉर्म नंबर फालतू इतना, पेनल्टी लिमिट्स आपने लिख लेनी है, MCQ में बहुत काम आएगा सर मैं आपको बता रहा हूँ। और ये जो चार्ट है ना सर आपका, आपको रोज रिवाइज करना है, लेकिन FR का पेपर का 2 दिन पहले बाकी हो ना तो उसको रिवाइज करना छोड़ देना, यानी अभी जितने भी दिन बाकी है ना सर आपने ये बनाना है, आज के आज ही वो बनाना है, रात को बनाने तक सोना नहीं है आपको, अगर आपका लॉ का पेपर है तो, ठीक है, लिमिट्स और पेनल्टीज का ये चार्ट बना दो जिसमें सारे लिमिट्स और पेनल्टी चाहते हैं, मैक्सिमम लिमिट्स और पेनल्टी जितना आपको याद करने की इच्छा है, पेनल्टी आपको जितना याद करने की इच्छा है कर लो इंपॉर्टेंट वाली, क्योंकि सारी की सारी याद हो रही है तो बेस्ट है, नहीं हो रही है तो जितनी आपको कर सको तो लिमिट्स और पेनल्टी का चार्ट बनाओ, रोज आपने सुबह में रिवाइज करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ठीक है,
और आखिरी के 2 दिन उसको छोड़ देना, जब FIR का पेपर का 2 दिन पहले हो ना, तो ये चीज़ आपने करनी है, बहुत काम आएगी सर। ये जो लिमिट्स और पेनल्टीज है ना MCQ में आपको काम आएगी, 4 से 5 नंबर तो आपके पक्का बढ़ाएगी। तो आपने रोज सुबह तो उसको क्या करना है सर, रिवाइज करना है। ठीक है, तो ये कुछ मेरे को जरूरी बातें आपसे लॉ के लिए करनी थी। वीडियो को लाइक कर देना सर, मेरे को मोटिवेशन दे देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अब मैं इंग्लिश में समरी दे देता हूँ हमारे नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स के लिए। सर क्या है ना सर, समरी सुन लो। आई हैव कवर्ड द पोर्शन ऑफ लॉ इन टू ईजी एवरेज एंड टफ चैप्टर्स। ईजी चैप्टर्स आर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, कंपाउंडिंग, मिसलेनियस, NCLT, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, मनी लॉन्ड्रिंग, FCRA, आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन, विच इज ऑफ 29 मार्क्स। एवरेज चैप्टर्स आर इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, वाइंडिंग अप, विच इज ऑफ 10 मार्क्स। एंड टफ चैप्टर्स आर फेमा, IBC, सेबी, डायरेक्टर्स, मैनेजरियल पर्सनल, बोर्ड मीटिंग, विच इज ऑफ 49 मार्क्स। एंड MCQs विल बी आस्क्ड फॉर 30 मार्क्स। लाइक द वेटेज आई हैव विच आई हैव जस्ट टोल्ड यू इज ऑफ डिस्क्रिप्टिव एंड MCQs आर फॉर 30 मार्क्स। Out of 29 marks, you have to aim for only 60%, that is 18 marks. Out of 10 marks of average, you have to aim for only 60%, that is 6 marks. Out of 49 tough marks, like 49 marks for tough chapters, you only have to aim for 40%, that is 20 marks. And out of MCQs for 30 marks, you have to aim only for 50%, that is 16 marks. This will cover 60 marks. That means scoring an exemption in law is easy. Now, in last 1.5 days, what you have to do, you have to focus more on questions for directors chapter, 3 chapters of directors, directors, managerial, personal and board meeting. And for other chapters, you have to focus more on notes. Okay, this was the thing. Now, how to present the answer? First, you have to write provision, then you have to write facts of the case, then you have to relate the provisions with facts of the case, and then you have to write conclusion. But you have to remember 3 things. You don't have to write irrelevant things in the answer, you only have to write the relevant things which are asked. Point number 1. Point number 2, ICI keywords should be there in your answer. And point number 3, the meaning should be same even if you are using your own language. Next, if you want to score just 40 marks and your preparation is not up to the mark, what you have to do? You have to leave FEMA chapter. For eco law and other than directors chapters, what you have to do? You have to focus more on concepts, okay, without doing question bank. And for directors chapter, you have to focus more on questions. Next, for penalty and form number, you have to remember them through memory tricks, but don't take tension, because out of 100 marks of paper, there won't be 100 marks of penalty. It would be asked barely for 10 marks. So don't worry about that penalty and form number. And form number is asked for just 1-2 marks. So don't worry about that penalty and form number part. Then section number is completely irrelevant. Don't worry about the new questions, because the concepts which you are learning, the new questions would be framed from those concepts only. Next, there is no need to remember the exact language. You can use your own words. No need to memorize it, each and everything. That I wanted to say. Next is C category chapter. So corporate secretarial practice is C category chapter. But if you have time, you can do test your knowledge question number 1 and question number 7 of that chapter. Next is the types of descriptive questions. So out of 100% descriptive questions, 90% questions would be case based and 10% questions would be memory based. So just try to understand the things, and case based questions will be asked more in the exam. And the last is pro tip. What is pro tip? That you have to make a chart, you have to prepare a chart for limits and penalties. Limits in the sense 30 days, 60 days wali limits. And you have to revise it every day until your first paper, that is FR. Only for the last 2 days before FR paper, you don't have to revise that, but you have to revise this thing every day in the morning till your law paper. Okay, so this was the thing, and I wanted to tell you about the resources and sequence that I followed during my revision time in law. So this revision sequence can help you secure good marks. See, first I did money laundering, FCRA, arbitration and conciliation, company incorporated outside India, miscellaneous, inspection inquiry, compromise arrangement, and operation and mismanagement. For these chapters, I focused more on notes and not on questions. For directors, managerial, personnel, and board meeting, I focused more on questions and not on notes. For winding up, compounding, and NCLT, I did only for MCQ purpose from YouTube revision videos. IBC also I did from YouTube. I completely left SEBI chapter, and FEMA, I completed half of the chapter, and that too from YouTube only for MCQ purpose. So this was the strategy about law. If you like the video, please subscribe the channel, like the video, and share with your friends, and comment in the comment section that yes, I will definitely clear my IC examinations in November 2023. Let's meet in the next video. Till then, keep studying and keep learning. All the very best.